हम लोग ने चतुर्दश पाठ पढ़ाई कर रहे थे, यानी चैप्टर 14। और चैप्टर 14 में हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे? आर्यभट्ट के बारे में। और आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। गणितज्ञ के साथ साथ वो ज्योतिषी भी थे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग ने क्या देखे थे कि पिछले क्लास में हम लोग ने ये पढ़ाई किए थे कि आर्यभट्ट की जो वेदशाला है वो कहाँ है? पटना में है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इससे पता चलता है कि उनका जो कर्म भूमि है, कार्यक्षेत्र है, कहाँ है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो चलो आज हम आगे देखते हैं। देखो, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान, योगदान मतलब सहयोग किसमें था? गणित ज्योतिषा संबंधम, गणित ज्योतिष से। ठीक है, तो पहले से भी मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, वो एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ के साथ साथ एक ज्योतिषी भी थे, इसलिए उनका योगदान मतलब उनका सहयोग किसमें था? सहयोग उनका गणित के साथ, गणित और ज्योतिष में था। ठीक है, बता दे यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। और गणित ज्योतिष में जब संबंध रखता है, यहाँ संख्या का क्या हो रहा है? संख्याओं के गणना महत्व रखती है। ठीक है, संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। संख्यानाम संख्या के क्या हुआ है? संख्याओं के गणनाम, आकलनम, आकलनम का अर्थ है गणना, महत्वम महत्व आदधाति रखती है। ठीक है, आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्र न विश्वसिते स्म। आर्यभट्ट क्या कर रहे थे? फलित ज्योतिष शास्त्र में क्या नहीं था, विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, आर्यभट्ट नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम। तो क्या था वो? गणित शास्त्र की पद्धति मतलब तरीका से, गणित पद्धत्यः, गणित गणितीय पद्धत्यः कृतम आकलनम आधृत्य। गणित पद्धति में वो जो आकलन किए हैं, गणित शास्त्र के पद्धति में तरीके से वो क्या किए हैं? किया गया आकलन में, किया गया गणना में। एवं तेन प्रतिपादितम, वो प्रतिपादन किया है। ठीक है, उन्होंने प्रतिपादन किया राहु केतु नामको, जो राहु केतु दो ग्रह है, राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम। ग्रहण में क्या होता है? राहु केतु नामक जो दो दानव है, राक्षस है, दानव का अर्थ है राक्षस है, राक्षस का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो इसमें आर्यभट्ट का योगदान किसमें था? सहयोग था, गणित ज्योतिष में संबंध में रखता था, यहाँ संख्याओं की गणना का महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे, वो कहाँ विश्वास करते थे? कि गणित शास्त्र की पद्धति, पद्धति का अर्थ है तरीके से किए गए आकलन या गणना पर आधारित करके ही उन्होंने कहा कि प्रतिपादन किया कि जो ग्रहण लगने से राहु और केतु नामक जो राक्षस का कारण नहीं है। तो कारण किसका है देखते हैं। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्व्या इति त्रीणी एव कारणानि। तो कारण कौन है? चंद्रमा और पृथ्वी, ये तीनों ही कारण है। ठीक है, सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीनों कारण है। जो ग्रहण लगने में राहु केतु का कोई कारण नहीं है, राहु केतु नामक का जो राक्षस है वो कारण नहीं है, कारण ये है सूर्य चंद्र और पृथ्वी, ये तीनों कारण है। सूर्य परितः भ्रमत्यः पृथिव्यां चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणं भवति। तो ग्रहण क्यों लगता है? ग्रहण लगने के लिए सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीनों कारण है। और जब सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग में संयोग के कारण में ग्रहण होता है। ठीक है, ये लिखा गया है कि तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्व्या इति त्रीणी एव कारणानि। सूर्य परितः भ्रमन्त्यः पृथ्वी, सूर्य परितः सूर्य के चारों तरफ, चारों ओर भ्रमन्त्यः,
भ्रमंत्या मतलब घूमती हुई पृथिव्या पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रम पाथेन संयोगत ग्रहणं भवति। जब चंद्र के परिक्रम के पथ में आ जाता है, कौन आ जाता है? पृथ्वी। जब पृथ्वी आ जाता है चंद्र के परिक्रम के पथ में तो क्या होता है? संयोगत, संयोग के कारण में क्या हो जाता है? ग्रहण भवति। जैसे देखो, ये देखो, ये सूर्य है और ये क्या करते हैं, ये चंद्र है, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। पृथ्वी क्या करते हैं कि चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। जब वो ये दोनों के बीच में आ जाता है, कि सूर्य और चंद्र के बीच में जब पृथ्वी यहाँ आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। जब संयोगत कारण होते हैं तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य परितः भ्रमंत्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रम पथेन संयोगत ग्रहणं भवति। तो जब ये तीनों एक संयोग में आ जाते हैं क्या हो जाता है? ग्रहण हो जाता है, ठीक है, ग्रहण होता है। ये तीनों जब एक साथ आ जाएंगे संयोगत, ये तीनों जब एक साथ आ जाएंगे क्या हो जाएगा? ग्रहण होता है, ठीक है। वैसे ही यदा पृथिव्यां छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणं भवति, ठीक है। वैसे ही तथैव वैसे ही यदा पृथिव्यां, जब पृथ्वी की क्या होता है, यदा पृथिव्यां जब पृथ्वी की छाया पातेन, छाया पड़ने से, छाया पातेन का अर्थ है छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। चंद्र का क्या होता है? प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। अवरुध्यते मतलब रुक जाता है। तदा तब क्या होता है? चंद्र ग्रहणं भवति। तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः, पृथ्वी और सूर्य के मध्य, मध्य का अर्थ है बीच में, समागतस्य चंद्रस्य छाया पातेन सूर्य ग्रहणं दृश्यते। समागतस्य ये दोनों के बीच में, तथैव वैसे ही पृथ्वी और सूर्ययोः मध्य, पृथ्वी और सूरज के बीच में समागतस्य आए हुए चंद्रस्य, चंद्रमा की छाया पातेन, परछाई से, छाया पातेन का अर्थ है परछाई से सूर्य ग्रहणं दृश्यते। तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, और वैसे ही जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है, ठीक है।